लियोनेल मेसी को मिला है द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023। लेकिन ये वीडियो बेस्ट प्लेयर के बारे में नहीं, सेकंड बेस्ट प्लेयर के बारे में। टेक्निकली नंबर दो यानी कि अर्लिंग हालैंड नॉर्वे और मैनचेस्टर सिटी के एस स्ट्राइकर, आखिर क्यों नहीं मिला अर्लिंग हालैंड को फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? वो भी तब जब उनके क्लब मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला को मिला बेस्ट कोच ऑफ द ईयर, उनके गोलकीपर एडिसन को मिला बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर, लेकिन स्ट्राइकर को कुछ नहीं मिला। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है फीफा के द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 खिताब की, जो मिला मेसी को। और उसके बाद से ट्विटर पे शुरू हो गई डिबेट कि क्यों दिया मेसी को, डिजर्व तो करते थे अर्लिंग हालैंड, पॉपुलर भी वही थे, फेवरेट भी वही थे, लेकिन खिताब ले गए लियोनेल मेसी। अब बोलने वाले बोलेंगे कि बॉस, मेसी ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद तो बनता था ना। देखो, उसके बाद बनता था बैलन डी'ओर, वो भी आठवां बैलन डी'ओर जो लियोनेल मेसी ने अपने नाम कर लिया। लेकिन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब, वो मुझे नहीं लगता मेसी को मिलना चाहिए था। रुक जाओ, इससे पहले कि कॉमेंट में ट्रोल करने लगना, आपको जरा स्टैट्स बता दूं। सबसे पहले टाइमलाइन, December 19, 2022 से लेकर August 20, 2023, इसके बीच अगर किसी प्लेयर ने कोई खिताब जीता, गोल मारे, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सब को कंसिडर करके वोटिंग होती है, जिसके बाद मिलता है फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से तो अर्जेंटीना ने जीता था December 19, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन कंसिडर तो 19 दिसंबर के बाद से हो रहा है ना। तो इस टाइमलाइन में मेसी ने आखिर क्या जीता और क्या जितवाया? सबसे पहले तो उस टाइम के उनके क्लब पीएसजी को उन्होंने जिताया लीग वन का खिताब। उसके बाद जब ट्रांसफर होकर इंटर मायामी, वही क्लब जिसके मालिक डेविड बेकहम है, उस क्लब को उन्होंने जिताया उनका मेडन लीग्स कप का खिताब। अब इसी टाइमलाइन में अर्लिंग हालैंड ने क्या क्या जीता, क्या नहीं जीता ये पूछो। मैनचेस्टर सिटी को दिलवाया ट्रेबल, बोले तो एक ही सीजन में जीता पहले तो इंग्लिश प्रीमियर लीग, फिर चैंपियंस लीग और एफए कप, तीनों की तीनों ट्रॉफीज की अपने नाम। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, 36 गोल्स मारे बंदे ने, और ओवरऑल 52 गोल्स इन 53 अपीयरेंसेस। वाओ, परिणाम स्वरूप हालैंड और मेसी दोनों टाई कर गए नंबर वन पोजीशन पे 48 पॉइंट्स के साथ। अब ये 48 स्कोरिंग पॉइंट्स मिलते कैसे हैं? वेल, ये आधारित होते हैं वोटिंग पर। और ये वोट्स कौन डालते हैं? वोट्स डालते हैं नेशनल टीम के कोचेस, उनके कैप्टन्स, उसके बाद जर्नलिस्ट, फैंस, और ये सब के वोट्स मिलाकर होता है तय कि कौन बनेगा उस साल का फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, मेल और फीमेल। तो भाई जब टाई हो गया तो उसके बाद गवर्निंग कमिटी ने ये काउंट किया कि कितने नेशनल कैप्टन्स ने वोट किया मेसी के फेवर में कंपेयर्ड टू हालैंड फॉर पोजीशन नंबर वन, और इसी में मेसी हालैंड से आगे निकल गए, जिस वजह से उनको मिला फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मेल 2023 का खिताब। अब इतना बता दिया है तो ये भी बता दूं कि टॉप 5 प्लेयर्स कौन थे। नंबर 1 पे रहे लियोनेल मेसी विद 48 पॉइंट्स, नंबर 2 पे अर्लिंग हालैंड विद 48 पॉइंट्स, नंबर 3 पे फ्रांस और पीएसजी के किलियन एम्बापे विद 35 पॉइंट्स, नंबर 4 पर बेल्जियम और मैनचेस्टर सिटी के केविन डिब्रायना विद 32 पॉइंट्स, और नंबर 5 पे नाइजीरिया और नापोली के विक्टर ओसिमहेन विद 24 पॉइंट्स। ये तो थी मेल की कहानी। फीमेल की बात करें, बोले तो फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल गया है आइताना बोनमाती को। आइताना खेलती है स्पेन और बार्सिलोना के लिए, और स्पेन को वो जिता चुकी हैं इस साल का वर्ल्ड कप, और इसी वजह से उनको मिला है फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, और बैलन डी'ओर भी उन्होंने ही जीता था। तो देवियों सज्जनों, अगर आप अग्री करते हैं कि भाई लियोनेल मेसी को जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है वो सही है, तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर डिसअग्री करते हैं, आपको लगता है कि अर्लिंग हालैंड को मिलना चाहिए था, तो कमेंट करना। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।